हेलो गाइस, वेलकम टू हिंद कोच। मैं हूँ वंदना। हम जनरली ईच अदर और वन अनदर में काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ ईच अदर लगाना है, कहाँ वन अनदर लगाना है। कई बार जब हम बातचीत करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता ईच अदर वन अनदर का एक ही मतलब लगता है। तो आइए इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं और ईच अदर और वन अनदर के बीच का डिफरेंस जानते हैं। इससे पहले कि हम ये क्लास शुरू करें, क्या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? नहीं किया तो जल्दी कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी कि कौन कौन सी हमारी अपकमिंग वीडियोस और अपकमिंग लाइव क्लासेस आ रही हैं। तो आइए इनका डिफरेंस स्टडी करते हैं। ईच अदर और वन अनदर दोनों का ही मतलब है एक दूसरे को या एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से, एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ, each other, one another। लेकिन इनके बीच का डिफरेंस क्या है? each other का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम सिर्फ दो लोगों की बात करते हैं। अगर सिर्फ दो लोग हैं और उनके बीच में बात हो रही है तो हम बोलेंगे each other, एक दूसरे को, एक दूसरे से, सिर्फ दो लोग हैं। each other का प्रयोग हम सिर्फ दो लोगों के लिए करते हैं। टीना एंड प्रिया नो ईच अदर। टीना और प्रिया दोनों एक दूसरे को जानती हैं, एक दूसरे को, इसका मतलब ईच अदर, क्योंकि दो है इसलिए हमने ईच अदर का प्रयोग किया है। अगर दो से ज्यादा है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? वन अनदर। वन अनदर का मतलब होता है मोर देन टू। अगर दो लोगों से ज्यादा है तब हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। राम, श्याम एंड मोहन नो वन अनदर। राम, श्याम और मोहन एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ पे मैंने बोला राम, श्याम और मोहन, ये तीन लोग हो गए, यानी कि दो से ज्यादा हो गए। हम तीन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि तीन लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को, एक दूसरे से, इनका मतलब होता है ईच अदर या वन अनदर। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, ईच अदर का प्रयोग करते हैं हम दो के लिए। अगर दो लोग एक दूसरे को जानते हैं या दो लोग एक दूसरे को हम बात करना चाहते हैं तो ईच अदर का प्रयोग करेंगे। अगर हम बात करना चाहते हैं कि दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे को, एक दूसरे से, ऐसा करके कुछ कन्वर्जेशन हम करना चाहते हैं तो हम वन अनदर का प्रयोग करेंगे। अब ईच अदर का एग्जाम्पल देखते हैं। विशाल एंड गौतम हेल्प्ड ईच अदर। विशाल और गौतम ने एक दूसरे की मदद की, एक दूसरे की, एक दूसरे को, एक दूसरे की, एक दूसरे का, एक दूसरे से, कुछ भी हम बोलना चाहते हैं एक दूसरे से, उसके रिलेटेड, तो हम ईच अदर या वन अनदर का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला है? विशाल एंड गौतम, दो लोगों की बात हुई है। विशाल और गौतम दो लोग हैं इसलिए हम क्या यूज करेंगे? ईच अदर। विशाल और गौतम ने एक दूसरे की मदद की, क्योंकि दो लोग हैं इसलिए हम क्या लगाएंगे? ईच अदर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ईच अदर का। द टू गर्ल्स कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर। दो लड़कियों ने एक दूसरे की तारीफ करी। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ करना। कई बार आपने देखा होगा पार्टीज में अक्सर जब लड़कियां मिलती हैं तो बोलती हैं अरे तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, दूसरी कहती है नहीं अरे तुम मुझसे ज्यादा सुंदर लग रही हो। तो दो लड़कियों ने एक दूसरे की तारीफ करी, एक दूसरे की, लेकिन मैं दो लड़कियों की बात कर रही हूँ इसलिए मैंने ईच अदर का यूज किया है। तो ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे को, एक दूसरे का, एक दूसरे से। लेकिन इसका प्रयोग हम कब करते हैं? जब हम दो की बात करते हैं, चाहे वो दो लड़की हो, चाहे वो दो लड़के हो, कोई भी, चाहे एक लड़का हो, एक लड़की हो, लेकिन दो होने चाहिए। सिर्फ दो व्यक्तियों के साथ हम ईच अदर का यूज करते हैं। अगर दो से ज्यादा व्यक्ति हैं तो हम क्या यूज करेंगे? वन अनदर। वन अनदर का एग्जाम्पल देखते हैं। चिल्ड्रन आर क्वाइट फ्रेंडली विद वन अनदर। कई बार जब हमारे घर रिलेटिव्स आते हैं और उनके बच्चे आते हैं तो पेरेंट्स आपस में बात करते हैं अरे ये बच्चे एक दूसरे के साथ कितने घुल मिल गए हैं, ऐसा बोलते हैं ना पेरेंट्स अपने बच्चों को देखकर। चिल्ड्रन आर क्वाइट फ्रेंडली विद वन अनदर, यानी कि बच्चे एक दूसरे के साथ काफी मिलनसार हैं, घुल मिल गए हैं। तो वन अनदर का प्रयोग मैंने क्यों करा? क्योंकि चिल्ड्रन की बात हो रही है, यहाँ पे बच्चे दो से ज्यादा हैं, दो से ज्यादा के लिए हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जाम्पल वन अनदर का देखते हैं। दे गेव प्रेजेंट्स टू वन अनदर। उन्होंने एक दूसरे को तोहफे दिए। एक दूसरे को उन्होंने, यानी कि बहुत सारे लोग थे, दे मतलब बहुत सारे लोग थे, उन्होंने एक दूसरे को तोहफे दिए।
तो जब दो से ज्यादा की हम बात करते हैं तो हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं। उन्होंने एक दूसरे को गिफ्ट दिए, प्रेजेंट्स यानी कि गिफ्ट्स दिए, तोहफे दिए। तो गाइस फटाफट रिकैप करते हैं, हमने क्या पढ़ा है। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे को, लेकिन इसका प्रयोग हम कब करते हैं, जब हम दो की बात करते हैं। वन अनदर का मतलब भी होता है एक दूसरे को, एक दूसरे से, लेकिन इसका प्रयोग हम कब करते हैं, जब हम दो से ज्यादा की बात करते हैं। सो आई होप गाइस अब आप ईच अदर और वन अनदर के बीच के डिफरेंस को समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल हिंदी कोच। थैंक यू।